Assalamu alaikum everybody. I hope you guys are doing really really well. Welcome to my channel Zoya's Cooking with Fun. आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ अलग. I hope आपको सबको पसंद आएगा. जो है वाइट मटन बिरयानी. इसके लिए मैंने लिया है 1 kg मटन, 1 kg राइस, जिसको मैंने धो के पानी निकाल के रख दिया है. इसमें भी मैंने मटन भी वॉश करके पानी निकाल के रख दिया है. 2 बड़े साइज के मैंने आलू कट करके रखे हैं, वॉश करके उसको भी पानी में भिगो के रखा है ताकि वो काले ना पड़े. मिरिस्ता, इससे ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है बिरयानी में. ये मैंने अदरक लहसुन मिर्ची और काली मिरी का पेस्ट बनाया है. नाउ इसमें हम कुछ और तेज इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, इसलिए मैंने काली मिरी पीसने में ही डाल दिया है. 1 बाटी भर के दही लिया है मैंने, पुदीना लिया है, कोथमीर कट करके लिया है, और ये है कुछ खड़े गरम मसाले, बादियां, इलायची, शाहजीरा, तेजपत्ता, 1 बड़ी इलायची, ये कबाब चीनी है. इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है बिरयानी में. ये है दालचीनी, कुछ लवंग. तो ये खड़े गरम मसाले हैं, मैं आपको बताऊंगी इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है. घी, तेल, सो ये सब आइटम्स यूज करके हम लोग वाइट मटन बिरयानी बनाने वाले हैं. अब मेरे घर में मैं गरम मसाला ऑलरेडी बनाकर रखती हूँ, तो जब मैं मटन को फ्राई करूंगी तो वही गरम मसाला यूज करूंगी. और गरम मसाले का अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, तो प्लीज उसको भी जरूर देखिएगा. चलो चालू करते हैं अपने मटन बिरयानी का प्रोसीजर. मैंने कुकर गरम होने रखा था, अभी कुकर गरम हो चुका है. इसमें मैं डाल रही हूँ तेल, ये वही तेल है जिसमें मैंने बिरिस्ता बनाया था, तो ये और भी टेस्टी बनाता है अपने आइटम को जो हम बना रहे हैं. तो मैंने अंदाज से अपने डाला है, पर आप अगर आप डाल रहे हो तो ये दाल का जो चम्मच है, जैसे ये दाल का चम्मच है, इसके 2 चम्मच भर के ये तेल है जो मैंने डाला है. अभी दूसरी चीज़ जो हम डालने वाले हैं वो है घी. तो घी मैं डालने वाली हूँ 1 और आधा. इससे भी बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है. तो बच्चे से गर्म होने के बाद में मैं डालूंगी थोड़े खड़े गरम मसाले. मैं हाफ मटन को फ्राई करते वक्त यूज करूंगी और हाफ राइस में यूज करूंगी. तो 2 तेज पत्ता डाली मैंने, बादियान, दो लौंग, इलायची, थोड़ा सा जीरा, कबाब चीनी मैं पूरी डाल दूंगी, ये 5 से 6 ही है वो, और दालचीनी. अभी ये जो बचा हुआ है मैं राइस को बॉईल करते वक्त यूज करूंगी, तो मैं इसको साइड में रख. अब इसका जब अरोमा बाहर आता रहेगा आपको पता चल जाएगा कि अभी ये अच्छी तरह फ्राई हो चुका है गरम मसाला. अब मैं डाल रही हूँ 1 अनियन स्लाइस करके जो मैंने रखा था, 1 ही डाल रही हूँ बिकॉज मैं बिरिस्ता भी डालने वाली हूँ. अनियन को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है बिकॉज हम बिरिस्ता भी डालने वाले हैं, तो बस हल्का थोड़ा कलर चेंज होने तक फ्राई करते रहना है. बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बिकॉज मैंने गरम मसाला डाला था तेल में. अब जब अनियन थोड़ा कलर बदल चुका है तो मैं डालूंगी ये मेरा मसाला जिसमें मैंने अदरक लहसुन और काली मिरी पीस के रखा था, 1 चम्मच और 2 चम्मच. अब मैंने 2 चम्मच भर के डाली हूँ. ये आप किसी और भाजी में या किसी और
चिकन मटन बनाने के यूज में यूज कर सकते हैं। अच्छे से 10 दिन आराम से रहता है फ्रिज में, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छे से आपको फ्राई करने का है। अदरक लहसुन का जो कच्चा स्मेल रहता है वो पूरी तरह चले जाने तक फ्राई करते रहना है। अदरक लहसुन मस्त तो फ्राई हो गया है, देखो है ना। तो अभी इसमें मैं डालूंगी ये 1 किलो वॉश किया हुआ मटर, साथ ही साथ मैं ये पूरा 1 कप भर के जो मैंने दही लिया था वो भी मैं डाल दूंगी अच्छे से वाटी साफ कर, बिकॉज वेस्ट नहीं करने का। तो मैं अभी अच्छे से मिलाऊंगी, फ्राई होना चाहिए, पूरा दही का पानी जो है वो सूखना चाहिए। बट उसके पहले मैं सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट डालूंगी, वो है अपना नमक। ये चम्मच मेरा नमक का, आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको नमकीन पसंद है। ये मैंने 2 चम्मच डाले। अभी ये फ्राई होने के बाद में, इसका पूरा पानी सूखने के बाद में हम लोग बाकी सब डालेंगे। देखिए पूरा तेल ऊपर आने लगा है। इस स्टेज पे ये परफेक्ट टाइम है जब मैं इसमें डालूंगी पुदीना। पुदीना को मैंने कट नहीं किया, देखो इसके लीव्स मैंने निकाल के रखे, थोड़े थोड़े डंडे रखे हूँ मैंने, मुट्ठी भर के मैंने ली पुदीना, और कोथमीर भी। अच्छे से मिक्स करने का है। तो गरम मसाला लिया था मैंने एग्जैक्ट ये वाला चम्मच, 2 चम्मच है ये, पूरा डाल देना है। क्या फ्रेग्रेंस आ रही है, बहुत ज़्यादा सुपर। अब मैंने यहाँ पे टोप में पानी गरम करने रखा है, 2 किलो का टोप है ये, क्योंकि 1 किलो राइस और 1 किलो हमने राइस और 1 किलो मटन लिया है। ये स्टेज पे मैं इसमें बटाटे भी छोड़ दूँगी, बटाटे डाल दूँगी सारे। मिक्स कर लूँगी, टोटली सुखाया नहीं मैंने पूरा पानी, बिकॉज मैं इसमें अभी मटन गलाते वक्त बिल्कुल पानी डालने वाली नहीं हूँ। जो भी दही का पानी छूटा है, दही की ग्रेवी हुई है तैयार और अदरक लहसुन वगैरह की, उसी में मैं इस मटन को पकाने वाली हूँ। अब आप बोलेंगे बिरिस्ता नहीं डाला, बिरिस्ता मैं अभी नहीं डालूँगी, जब इसका ये विसल दे के ये रेडी हो जाएगा, मटन कुक हो जाएगा, उसके बाद में मैं थोड़ी देर और इसको पकाने वाली हूँ, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। पानी गर्म हो गया है अपना, इसमें मैं चावल पसाने वाली हूँ। और पसाना हमारे में, जब हम बिरयानी के लिए चावल पकाते हैं, आधे कच्चे आधे पक्के पकाते हैं, क्योंकि उसको दम पे चढ़ाने के बाद में वो और पकता है और खुला खुला भी रहता है जब हम दम पे पकाते हैं उसको, तो उसको हम लोग पसाना बोलते हैं। पसाना नहीं, पसाना। अभी तक हो रही है, अभी जब तक मटन भाई रेडी हो रहे हम चावल को भी रेडी करते हैं। अभी इसमें मैं मेरे खड़े गरम मसाले डालूंगी जो मेरे बचे थे, ये देखो फटाफट एकदम झटाझट फटाफट डाल दिया।
चार मिर्ची डाल दो, थोड़ी कोथमीर डाल दो, पुदीना डाल दो। ये बिरयानी मालूम है अलग क्यों है, क्योंकि इसमें बिल्कुल अपन हल्दी लाल मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं डालते, कुछ भी मसाला अलग मसाला डालते नहीं है, सिंपल रहती है एकदम। काली मिर्च और हरी मिर्च का तीखापन, नमक, दो, तीन, चार, आपको जैसा जितना, और ये पांच, क्योंकि अभी मैं जब इसका पानी निकालूंगी तो नमक नमक वगैरह सब तो निकल जाएगा, टेस्ट थोड़ा बहुत चावल में आना चाहिए, इसलिए मैं अच्छी तरह डाल रही हूँ। इसको थोड़ा मिक्स कर देती हूँ। अभी जब ये थोड़ा और गर्म होना चाहिए, इसका कलर छूटने लगेगा, देखो पानी ग्रीन हो रहा है, देखो हरा पानी, थोड़ा थोड़ा हरा हरा हो रहा है पानी, है ना, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने दो, जीरे का भी पानी आता है ना, भी थोड़ा गर्म हो गया है पानी, तो इसमें मैं डाल दी चावल, ऐसा मस्त। भगोने का टेंशन मत लो, सब कुछ क्लीन है एकदम, बहुत अच्छी तरह साफ किया है मैंने, पूरे चावल मैंने डाल दी हूँ, 1 किलो चावल थे ये, ठीक है। अभी इसमें मैं डालूंगी थोड़ा ऊपर से तेल, 1 चम्मच बस होता है, 1 चम्मच, आधा नींबू है, आधे नींबू का रस, नींबू इसलिए डाल रही हूँ कि चावल अच्छे खुले खुले बनेंगे हमारे, फड़फड़ित, मराठी में बोलते हैं फड़फड़ित, है ना। लास्ट वीडियो मैंने मराठी में बनाया था, ये वाला मैं हिंदी में बना रही हूँ, सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ गाइज मुझे सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, जैसे मैंने पहले बोला मैं नई हूँ, अगर मेरे से कोई गलती भी होती है तो प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं उसे इम्प्रूव करूँ। तो अब हम इसको पकने देते हैं, कुकर बंद कर दिया मैंने गैस, ये 4 सीटी हो गई इसकी, 4 सीटी के बाद में मैं इसे वापस खोल के थोड़ा और पकाऊंगी और फिर हमारा बिरिस्ता डालूँगी, फ्राइड अनियन। देखिए राइस अभी एकदम परफेक्ट टाइम है निकालने का, जब मैं इसको तोड़ती हूँ दो कनी तीन कनी निकल रहे हैं, ये परफेक्ट टाइम है, मतलब अभी 70% अभी कुक हो गया है और 30% अनकुक्ड है। इस टाइम पे मैं इसको इसका पानी निकालूंगी और फिर इसको ये परात के अंदर ठंडा होने रखूंगी, चावल को पानी निकाल के मैं फिर आपसे बात करने आती हूँ। देखिए दोस्तों कितना सुपर लग रहा है मटन, है ना, बहुत सुपर। अभी यही स्टेज पे मैं इसमें इसको थोड़ा सा सुखाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम लोग लेयर लगाएंगे तो इतनी पतली ग्रेवी तो नहीं चलेगी, बहुत पतली है ना। अभी मैं डालूंगी इसमें ये बाटी भर के बिरिस्ता, बाटी अच्छी सा साफ करके डाल रही हूँ, कुछ वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसको अभी मैं गैस चालू करके थोड़ा सुखा दूंगी, और ये देखो मैंने राइस को छान लिया हूँ, देखो क्या फैंटास्टिक दिख रहे राइस, मैंने इसलिए परात में निकाली हूँ ना, क्योंकि ये गर्म होते तो और भी अपने आप में पक जाते हैं, परात में निकालने से कैसे हवा लगेगा ना, तो ज़्यादा और पकेगा नहीं और चिकट चिकट नहीं बनेंगे, देखो कितने खुले है ना गाइज। अभी ये मेरा मटन का ग्रेवी देखो मैंने एकदम सुखा दी हूँ, एकदम थिक है। अब मैं लेयरिंग करूँगी, इसके लिए मैंने लोखंड का तवा ली हूँ, इसको मैंने गर्म होते रखी हूँ,
तो अभी ये थोड़ा गर्म हो गया है। वही भगोना मेरा जो राइस का था उसी में मैंने थोड़ा तेल ग्रीस कर दी हूँ ताकि मेरे चावल चिपके नहीं। तो मैं इसको गैस को स्लो करती हूँ अभी और फिर मैं मेरी लेयरिंग चालू करती हूँ। लेयरिंग करते वक्त मैं थोड़े चावल डालूँगी, गरम है चावल। तो मैं अपने ऐसे चावल थोड़े फैला फैला के डालूँगी। चावल देखो क्या सुपर्ब लग रहे हैं ना, एकदम खिले 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 चावल। चावल ही बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है बिरयानी में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट। चावल फैंटास्टिक तो सब फैंटास्टिक, पूरी बिरयानी फैंटास्टिक बनेगी। अभी मैंने फर्स्ट राइस का लेयर लगा दिया, इसमें मैं डालूँगी थोड़े पुदीने के पत्ते, थोड़ी कोथमीर, थोड़ा बिरिस्ता, मेरा होममेड गरम मसाला, थोड़ा ऐसा 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 डिस्को डांस करते करते फैला देने का है ना। अभी मैं डालूंगी मेरा मटन का ये बिरयानी वाला ग्रेवी। ऐसा फैला के फिर मैं वापस डालूंगी राइस की लेयरिंग। हाथ से डाल रही हूँ, हाथ से फटाफट होगा। चावल गरम है तो थोड़ा संभल कर आप भी करना। मुझे क्या, मुझे प्रैक्टिस है खाना वाना बनाने की, तो मैं कर लेती हूँ अपना। हाथ बहुत सफाई से धोकर ये सब करना है। मेरे हाथ देखो एकदम क्लीन है, नो प्रॉब्लम। अपने सलमान भाई की भी फेवरेट है बिरयानी, और हमारे घर का सबसे फेवरेट एक्टर है जोहान। कौन सा फेवरेट एक्टर है अपना? सलमान खान। सलमान खान, ये है जोहान जिसकी आवाज आप सुन रहे हैं, ये मेरा बेटा है, इसको हम लोग सोनूमा भी बोलते हैं। और आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे एक मेरा वीडियो भी है। हाँ, इंस्टाग्राम पे आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे ही आईडी पे, जोई उर्फ अम्मू मेरा आईडी है। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए। देखिए मैं नई हूँ वीडियोस डालने में, पर मैं नई नहीं हूँ कुकिंग में। हाँ, मैं बोल रही थी ना अभी थोड़ी देर पहले कि मैं नई हूँ, तो बोलने में मेरे में गलती हो जाएगा। पर अभी मैं, मेरे लिए सब कुछ नया है ना, ये वीडियो बनाना यूट्यूब का, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है वीडियो एडिट वगैरह कैसे करते हैं, मेरे को बाकी सब मालूम है। तो जुबान मेरी मदद कर देता है इसमें, बच्चों को ज़्यादा मालूम है। हट, ये फाइनल लेयरिंग हो गई मेरी। अभी मैं बचा हुआ बिरिस्ता डाल रही हूँ। पूरे तीन बड़े प्याज का मैंने बिरिस्ता बनाई थी, ये पूरे बिरयानी के लिए। बची हुई कोथमीर, और पुदीना, ये मेरा गरम मसाला। थोड़ा यहाँ एक दो बूंदी केवड़ा एसेंस बस है ना। और उसके बाद में मेरे पास ये रवि है जिससे हम लोग दाल घोटते हैं, तो इससे मैं ऐसे फोल्ड करूँगी।
से 5 से 6 होल कर देने के, और फिर इसके अंदर मैं डालूंगी मेल्टेड बटर। अगर मेल्टेड बटर नहीं डालना है आप घी भी डाल सकते हैं, मेल्टेड बटर का ज़्यादा मस्त टेस्ट आता है। जेनरसली डालिए, थोड़ा चिंगू सी नहीं, थोड़ा दिल खोल के डालो, है ना। और ये बाद में सब जगह फैला के चाहिए। ओके, अभी मैं इस पे लगाऊंगी ढक्कन और इस पे मैं रखूंगी ये भगोना, थोड़ा भारी कुछ भी आइटम रख सकते हैं आप। और हम इसको दम पे रखेंगे अभी 15 मिनट के लिए, तो मिलते हैं जब ये रेडी हो जाएगा। देखिए गाइस, बिरयानी रेडी हो चुकी है। देखो देखची खोली मैंने, ये देखो क्या सुपर्ब दिख रही है बिरयानी, एकदम लाजवाब। मैं आपको गोश भी बताती, कितना सॉफ्ट गला है, देखो पिंक पिंक गोश, एकदम परफेक्ट गल गया है। ये बटाटा और खाने में भी एकदम एकदम सुपर बनी है। तो आप लोग ट्राई कीजिए और प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपसे मैं फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।